सीधे ही शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, ये वोटिंग प्रतिशत कितना रहा है 11 बजे तक का, वो सामने हमने रख दिया। आपके आसपास की तस्वीरें दिखाइए, मतदाताओं से बातचीत कीजिए, क्या है उनके लिए मुद्दे इस बार वोटिंग के लिए? बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग जो मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें मौजूद हैं, और ये एक जो विद्यालय, जो पोलिंग बूथ आप देख रहे हैं इस समय हमारे सामने है, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय शागढ़ में बना हुआ पोलिंग बूथ है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कारपेट बिछाया गया है, बलून्स लगाए गए हैं, एक अलग फील कराने के लिए कि जो मतदाता है वो आकर्षित होकर आए। बात करें अगर यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, तो भी आप देखिए कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात है, नीचे भी और छतों पर भी, और यहाँ पर काफ़ी उत्साह सुबह से ही पोलिंग को लेकर साफ देखा जा सकता है। ओवरऑल वोटिंग की अगर बात करें तो हमने देखा 20.12% हुई है 11 बजे तक, लेकिन अगर हम देखते हैं बूथ के हिसाब से तो तमाम ऐसे बूथ हैं शहरी क्षेत्र के या आदर्श पोलिंग बूथ, तमाम ऐसे हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंट अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा निकल कर आएगा, औसत से ज़्यादा। लगातार देखिए यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं वोट डालने के लिए। वोटर्स से हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस हैं इसलिए हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जो लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं वोट के बाद उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इन इस क्षेत्र के मुद्दों को। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम आपको और बताना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अगर बात करें तो जो मौजूदा विधायक है शाह आलम, पहले बसपा से जीते थे, वो उसके बाद दो बार के देखिए विधायक हैं, लेकिन इस बार वो AIIMIM के टिकट पर मैदान में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव उनके प्रत्याशी का नाम है, यानी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है उन्हीं के नाम के एक प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा गया। इसके अलावा भाजपा है, तमाम लोग हैं, देखिए एक एक करके तमाम यहाँ पर जो वोटर्स हैं, देखिए एक वोटर दिख रहे हैं हमें बाहर आते हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या नाम है आप? ठीक है शैलेश, आपके पास लॉसिंग।